नमस्कार, मेरा नाम मोइन खान और आज एक बार फिर आपके सामने आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ एक चमत्कारी उपाय लेकर, जिसको करके किसी भी दो लोगों को हमेशा के लिए आप अलग कर सकते हैं, एक दूसरे से दूर कर सकते हैं, एक दूसरे के खिलाफ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप चाहते हैं किसी भी दो लोगों को एक दूसरे से दूर करना, अलग करना, एक दूसरे के खिलाफ करना, तो मात्र इस छोटे से उपाय के माध्यम से किसी भी दो लोगों को हमेशा के लिए अलग किया जा सकता है, एक दूसरे से दूर किया जा सकता है, एक दूसरे के खिलाफ किया जा सकता है। इतना आसान ये उपाय है। चलिए उपाय की तरफ चलते हैं, कैसे करना है आपको। ये छोटा सा उपाय, जिस ये जो आप सौंफ देख रहे हो ना, ये जो सौंफ है, इस सौंफ के माध्यम से आप किसी भी दो लोगों को हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर करने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। बस आपको देखना होगा ये कि आपको करना किस तरीके से ये उपाय, और हमेशा के लिए कोई भी दोनों लोगों में नफरत किस तरीके से आपको करवा सकते हो, कोई भी दो लोग हमेशा के लिए कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे एक दूसरे के खिलाफ कर सकते हैं। इतना आसान ये उपाय है। अब बात आती है इस उपाय को करते किस तरीके है। ध्यान से देखिए, सबसे मेन चीज़ इस उपाय की यह है कि आपने करना क्या है। एक आपको लेना है कागज़, और इस कागज़ पर आपको लिख लेना है नाम। जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं, ये है एक कागज़, और इस कागज़ पर आपको लिखना है, लाइनिंग वाला कागज़ है, इस पर लिखना है नाम जिसको अलग करना है। एक का तो नाम है उसमें से अंजलि, प्लस माँ का नाम। उसी तरीके से आपको नीचे लिखना है, यहाँ पर अंजलि लड़के का नाम है रोशन, तो रोशन प्लस रोशन की माँ का नाम। आपको पूरा माँ का नाम लिखना है, मैंने खाली माँ लिखा है। अब ऐसा लिखने के बाद आपको सबसे अच्छा क्या करना है, आपको जब आप ऐसा लिख लोगे, एक यहाँ पर सबसे पहले एक क्रॉस, दो तीन चार पाँच छः सात, इस तरीके से आपको बनाते रहना है। पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, सात इस तरीके से क्रॉस बनाने हैं। उसके जस्ट बाजू में ही आपको यहाँ में अक्षर दोनों में लिखना है, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, फिर आपको मैं अक्षर इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, इस तरीके से आपको लिखना है। ऐसा लिखने के बाद एक छोटा सा उपाय कैसा होगा, ये एक मुट्ठी सौंफ है, एक मुट्ठी सौंफ, और आपको सात बार नाम लेना है, अंजलि मनु चटन रोशन कुरु कुरु सुहा, अंजलि मनु चटन रोशन कुरु कुरु सुहा, फिर सात बार ऐसा बोलकर इस पर फूंक मार देनी है, और इस सौंफ को इस तरीके से इसमें रख देना है जैसे कि आप देख रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि आप देख रहे हो, इस तरीके से करने के बाद सिंपल सा क्या होगा, जब आप ऐसे कर लोगे अच्छी तरीके से इसको फोल्ड करना, और अच्छी तरीके से फोल्ड करने के बाद इसको चलते हुए पानी में फेंक देना या फिर ज़मीन के अंदर दबा देना। मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ, दो लोगों में लड़ाई झगड़ा होकर के हमेशा के लिए दोनों लोग एक दूसरे से दूर हो जाएंगे और एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे, दोनों लोगों में अनबन फैल जाएगी। इस उपाय को बहुत ही आसानी के साथ आप घर बैठे बैठे कर सकते हो, तो उपाय कीजिए, फ़ायदे लीजिए। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।